नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात सिडकोने बांधलेल्या मात्र मोडकळीस आलेल्या इमारतींमध्ये वर्षानुवर्षे आपला जीव मुठीत धरून राहणाऱ्या नागरिकांना पुनर्विकासाच्या माध्यमातून नवीन आणि पक्क्या घरात राहण्याची संधी मिळणार आहे, ज्यासाठी सुजान स्थानिक लोकप्रतिनिधी प्रयत्नशीलही आहेत. परंतु काही समाजकंटकांकडून अशा पुनर्विकास प्रकल्पाच्या विरोधात सातत्याने बिनबुडाच्या तक्रारी होताना दिसतात, ज्याचा फटका सदर पुनर्विकास प्रकल्पाला बसत असल्याच्या निदर्शनास येत आहे. अशाच एका नवी मुंबईतील वाशी सेक्टर 9 व 10 मधील श्रद्धा आणि एकता सोसायटीचा अरियंत बिल्डर्स कडून होणाऱ्या पुनर्विकासाच्या प्रकल्पाबाबत विनार्थक तक्रारी करून सदर पुनर्विकासनाचा प्रकल्प रोखण्याचा प्रयत्न काही समाज विघातक वृत्ती करत असल्याचा गंभीर आरोप अरियंत बिल्डर या बांधकाम व्यावसायिक कंपनीचे मालक अशोक छाजेड यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत केला. हम ये बात बताना चाहते हैं कि रीडेवलपमेंट की प्रणाली में कोई भी टाइप की अनियमितता नहीं हुई है और रीडेवलपमेंट के सारे प्रोसीजर्स को बहुत सरकार के जो बनाए हुए प्रोसीजर्स है उसको कंप्लीट करके ही सीसी ली गई है. इसके अंदर किसी भी टाइप का कोई ना घोटाला है ना स्कैम है. मैंने कभी नहीं कहा कि कोई नेता हमारे पीछे पड़ गए. सोशल मीडिया वर जे एक वीडियो त्यांनी पाठवलं आणि या संदर्भात त्यांनी आमचं नाव घेतलं आणि सांगितलं की हमने जो रीडेवलपमेंट का काम लिया है वो गैरकानूनन है या उसके प्रोसीजर्स नहीं है, उसके लिए उनका ये जवाब दे रहे हैं. जब तक कोई बात सिद्ध नहीं हो जाती है वो सिर्फ एक बात है, वो कोई मुद्दा नहीं है. हम हमारी तरफ से सभी पेपर्स आने वाले टाइम में सबमिट करेंगे और जो भी काम आने वाले टाइम में करेंगे वो सारे कंप्लायंसेस के साथ करेंगे. पालिका से एज एन बिल्डर हमारे पास कोई भी पत्र नहीं मिला है अधिकारियों के पास, और जो भी ज़रूरत पड़ेगी हम सारे कंप्लायंसेस टाइम पे करेंगे. और यही बात जो आपने की कि हाँ वाकई अगर सीसी कैंसिल होती है, अगर रीडेवलपमेंट का प्रोसीजर में विलम्ब होता है तो नुकसान आम जनता का सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो लोग इतने सालों से 30 सालों से इंतज़ार करते रहे हैं और इन्हीं को घर मिले, इसका उन्होंने हमेशा सभी नेताओं को और अपने लोकप्रिय नेताओं को उन्होंने निवेदन किया और उन्हें और सभी लोक नेताओं ने इस बात को लोगों के हित के लिए उस विचारों को आगे लेके गए और उन्होंने उनके लिए ये प्रणाली स्थित की कि उनका नवनिर्माण घर कैसे बन सके. तो जो दायित्व लोक नेता का होता है वो लोक नेताओं ने हमेशा अपना निभाया है. कोई भय का निवारण नहीं है लोगों में. लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं उनका पूरा बहुमत है हमारे साथ, उन्हें पूरा विश्वास है कि अगर रीडेवलपमेंट में घर बेघर घर से बाहर निकाला जाएगा तो अरियंत उनको वापस उनका नया घर जरूर देगा. सिंपल सी बात है कि जो लोगों ने उनसे एप्लीकेशन दी होगी या जिनकी बातें उन तक पहुंची होगी, क्योंकि ये कोई बात अदर देन उस कंपाउंड में रहने वाले लोगों के लिए तो है ही नहीं. वो तो अगर अन्याय है तो वहाँ रहने वाले लोगों के ऊपर ये अन्याय है. तो मिस्टर मिर्जे उन लोगों को समक्ष लेके आए, उस कंपाउंड में लेके आवे, उस समक्ष लेके आवे और कैमरा और मीडिया के सामने बताएं कि भाई इन लोगों को ये ऑब्जेक्शन है, न कि किसी के आवेदन पत्र पे ऊपर, न किसी की बातों में आकर. अरियंत एक बहुत ही सम्मानित और लीडिंग डेवलपर है और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके ऊपर लगाया हुआ कोई भी छोटा आक्षेप होवे वो उसका स्पष्टीकरण देवे. दादा का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहा है, जिंदगी भर रहा है. किसी भी व्यक्ति ने किसी भी नागरिक ने या किसी भी नई मुंबई में न रहते हुए व्यक्ति ने भी हमारे सामने कोई भी डिमांड नहीं रखी है. और ऑडिट कमेटी की जो रिपोर्ट रहेगी वो पत्रकारों को, मीडिया को, एज वेल एज सारे जन के लिए अवेलेबल रहेगी. आजीवन एडमिट होती है. उस सम्मति का टाइटल ही होता है इररिवोकेबल कंसेंट, मतलब ना बदलना रहे सम्मति पत्र. वो एक बार अगर दे दिया तो वो हमेशा ही रहता है एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइन. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. इतना बड़ा वो मुद्दा नहीं है. सारे कागज अपनी जगह पे संपूर्ण बराबर राइट है. हाईकोर्ट की तरफ से 51% एंड अबव अगर है तो रीडेवलपमेंट किया जा सकता है और हमारे पास 51 नहीं, उससे भी बहुत बड़ा बहुमत है. छाजेड यांच्या या आरोपामुळे कशा प्रकारे राजकीय क्षेत्रातील काही पदाधिकारी समाज सेवेच्या नावाखाली जनतेच्या विरोधी निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होतात आणि संविधानाने बहाल केलेल्या हक्काच्या निवाऱ्यापासून जनतेला दूर ठेवण्याचा कसा प्रयत्न करतात याचे मूर्तिमंत उदाहरण छाजेड यांनी मांडलेल्या त्यांच्या वेतेतून समोर आले आहे. ब्युरो रिपोर्ट, पालिका प्रशासन, वाशी, नवी मुंबई.